नमस्कार, बहस संसद की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिन्हा। हमारे आज के इस अंक में हम बात करेंगे ई सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 की। सरकार ने नशा मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाए हैं। ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित किया जा चुका है, साथ ही राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दोनों सदनों में पेश किए गए ई सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ई सिगरेट का सबसे अधिक प्रभाव आज की युवा पीढ़ी पर हो रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ई सिगरेट और इससे होने वाले घातक परिणाम। ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो साधारण सिगरेट की तरह दिखता है, यह एक बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो निकोटीन के घोल को धुएं में परिवर्तित कर देता है। इस धुएं को परंपरागत सिगरेट की तरह फेफड़ों तक लाया जा सकता है। ई सिगरेट में तंबाकू नहीं होती है, लेकिन इसके पीने वालों को यह एहसास होता है कि वे असली सिगरेट पी रहे हैं। इस उपकरण को पहली बार 2004 में चीनी बाजारों में यह भ्रम फैलाकर बेचा गया कि यह तंबाकू का स्वस्थ विकल्प है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2005 से ही ई सिगरेट उद्योग एक वैश्विक व्यवसाय बन चुका था। आज इसका बाजार लगभग $3 अरब का हो गया है। ई सिगरेट ने अधिक लोगों को धूम्रपान शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भ्रामक तौर पर हानि रहित उत्पाद के रूप में किया जा रहा है। भारत में कुल आबादी के करीब 0.2% लोगों द्वारा ही ई सिगरेट के इस्तेमाल का आंकड़ा है, लेकिन हाल ही में स्कूल के औचक निरीक्षण में बच्चों के बैग में 150 वेपिंग डिवाइस पाए गए। ई सिगरेट बनाने वाली कंपनियां भारत के युवाओं को अपना निशाना बना रही हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर कोई उत्पाद एक बार लोगों में प्रचलित हो जाता है और समाज में उसको मान्यता मिल जाती है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। As per the Global Adult Tobacco Survey Report 2016, 96.6% of the population in the age group of 15 to 24 years are non-smokers. So more than 96.6% of young people in this age of 15 to 24 are still non-smokers. And it is this group of children and youth that the government seeks to protect against the risk of addiction through this ban. दुनिया की कई तंबाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करना चाहती थी। ऐसे में ई सिगरेट पर बैन से जुड़ा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होना सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। विधेयक पारित हुआ। सरकार का मानना है कि समय रहते ई सिगरेट के प्रतिबंध पर कार्रवाई की गई है। 18 सितंबर को ही सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। अब ई सिगरेट के प्रतिबंध से जुड़ा यह बिल कानून बनने के बाद इसी अध्यादेश की जगह लेगा। आइए जानते हैं इस विधेयक के प्रावधानों को। ई सिगरेट से होने वाले खतरे की गंभीरता को भांपते हुए सरकार 18 सितंबर को एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिससे पूरे देश में ई सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी। ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को 2 दिसंबर को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा से यह विधेयक 27 नवंबर को ही पारित हो चुका था। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ई सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध के मामले में 1 वर्ष तक कैद या 1,00,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ देने का प्रावधान है, और अगले अपराध के लिए 3 वर्ष तक कैद और 5,00,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार ई सिगरेट का भंडारण भी दंडनीय होगा और इसके लिए 6 महीने तक की सजा या 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि इसमें प्राधिकृत अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के पैकेज रखे जाने वाले परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा ऐसे स्टॉक को जब्त करने का अधिकार होगा। दुनिया के कई देशों में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, साथ ही भारत के 15 राज्यों ने भी ई सिगरेट पर पहले ही बैन लगाया है। ई सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 पर चर्चा में कई सांसदों ने भाग लिया। बिल पर कई सवाल उठाए गए तो साथ ही कई सुझाव भी दिए गए। जानेंगे किस सांसद ने क्या कहा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस संसद की और हम बात कर रहे हैं ई सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 की। ई सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने इस बिल की जल्दबाजी पर सवाल उठाया तो कई सांसदों का कहना था कि सरकार सिर्फ ई सिगरेट को ही क्यों टारगेट कर रही है। साथ ही कई सांसदों का मानना था कि यह बिल गरीब लोगों के हित में नहीं है, लेकिन खास बात यह रही कि हर पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि जब तंबाकू वाले सिगरेट की बिक्री पूरे देश में हर जगह जारी है तब सिर्फ ई सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तंबाकू के सेवन से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। When conventional cigarettes are available in each and every corner of our country, conventional cigarettes are being sold with impunity, then why are you only concentrating on e-cigarettes? I am not finding fault with you for identifying e-cigarettes because I think e-cigarettes also injurious to health. But here it's appeared to me that you are bringing a targeted legislation only to prohibit e-cigarettes while conventional and traditional cigarettes are being sold with impunity. So this is some sorts of contradiction which getting myself befuddled. कई सांसदों ने सरकार द्वारा लाए बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ ई सिगरेट पर क्यों फोकस कर रही है, जबकि देश की ज्यादा आबादी कॉमर्शियल सिगरेट और तंबाकू से प्रभावित है। Sir, I appreciate your stand on ban e-cigarettes. But at the same time, we strongly feel it defies logic, taking into consideration the surprising move of not touching the regular cigarettes and other tobacco products. I would like to make a request to Honorable Minister, kindly ban all types smoking and tobacco in India for the better future of our youth. When I heard about the ban, the first thing that came to my mind was whether this decision taken for the well-being of the public or for the benefit of traditional cigarette companies whose business incurred a severe dent due to the tough competition from e-cigarettes. Sir, India is the second largest consumer of tobacco globally and accounts for approximately 1/6 of the world's tobacco-related deaths. The use of tobacco not only creates health hazards but also have negative impacts on education, economy and environment. Hence, the tobacco cessation service measures for effective tobacco control must to be discussed seriously. जब सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाए गए तो बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि अध्यादेश लाना कितना जरूरी था। मैं समझता हूँ कि अर्जेंसी अगर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, हमारी आने वाली जनरेशन की, और वो एक आंकड़ा दे रहे थे कि 0.02% ही लोग अभी भारत में सिगरेट पीते हैं, मैं कहता हूँ 0.2% तो लाखों में होंगे। अगर हमारी सरकार को किसी एक ऐसे नौनिहाल बच्चे को जो हिंदुस्तान में एक नागरिक बनकर के देश और दुनिया के लिए कुछ भी योगदान कर सकता है,
अगर उसकी ज़िंदगी ई सिगरेट की लत से ख़राब हो तो हम एक बच्चे को बचाने के लिए भी हमारे लिए पूरी कीमत है और उसी के लिए हम अध्यादेश लेकर के आए हैं। भाजपा की ओर से वरुण गांधी ने ई सिगरेट को प्रतिबंधित किए जाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। वरुण गांधी का कहना था कि ई सिगरेट पीने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। The average age of a e-cigarette user is 17 years old. This is a very frightening thing, with 70% of e-cigarette users saying that they were 15 years old when they first tried an e-cigarette. डीएमके नेता डॉक्टर सेंथिल कुमार ने विधेयक की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। Both e-cigarettes and cigarettes have hazardous effects on health. As such, both COPD it causes emphysematous lung, it causes chronic bronchitis, it causes lung cancer, it causes heart diseases. Does it anywhere say that e-cigarettes is a little less harmful than in the conventional smoking? Both are hazardous. Why only you target one? In your statement which you have laid on the table, which you have raised in the parliament in the objects and reasons, you have given a clear statement stating that the International Association for Study of Lung Cancer does not recommend use of e-cigarettes. I would like to know, does the International Association of Lung Cancer recommend the usage of regular cigarettes, regular tobacco related products? No, it doesn't. Then why do we cut and paste scientific evidences which suits the government of the day? Shouldn't we put out all scientific data together to substantiate our theory? आपने कहा 90% सेफ है, मैंने उसके बारे में इतना डिटेल्ड आपको पूरा का पूरा बताया था कि 95% सेफ नहीं है, और अगर कोई चीज़ लेस हार्मफुल है तो इसका मतलब वो हार्मलेस नहीं है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि ये उसी तरह की बात है कि 14वीं मंजिल से छलांग लगाने की बजाय 10वीं मंजिल से छलांग लगा के सुसाइड करो, वो जो है लेस हार्मफुल होगा। इट इज नॉट हार्मलेस। कई सांसदों ने किसानों के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अगर हम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाते हैं तो बहुत से किसान बेरोजगार रह जाएंगे। द होल वर्ल्ड नोज दैट ITC for many decades has been enjoying the lion's share in the tobacco profits, sir. So I request the ITC should also involve in this and share some burden of the tobacco board, sir. Also, since the ITC and the agro products division to guide the tobacco farmers of producing the agro products which it can buy from them, sir. So through this we can rein in the tobacco in this country, sir. There are millions of farmers and other people employed in the tobacco industry. One of the reasons whenever ban on tobacco is made or suggested, the suggestion is that these people will be rendered unemployed. Sir, can we ensure that a vision that by 2025 India will be a tobacco free country? Therefore, from today, can we start exploring alternative methods to educate farmers other than tobacco? ऑलरेडी जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो वर्षों से इस बात पे प्रयास कर रही है कि भाई उनको जो टोबैको फार्मिंग करते हैं, अगर कोई उनको ऑल्टरनेट फार्मिंग करने के लिए कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जो ITC भी है वो भी अपना जो है नए तरीके से जो है दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या उनको टीच करने के काम में लगी है। तो जो बेसिक कंसर्न जो जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर जो है इसको 100% उस तरीके से सिगरेट को बैन नहीं किया जा पा रहा, वो ये एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, टोबैको फार्मर्स के इशू, इन सब के अंदर एक प्रैग्मेटिक व्यू लेकर ही। और इतने डिटेल में हमने ये बताया, किसी ने कहा कि अनटाइमली है, मैं तो कहता हूँ मोस्ट टाइमली है। BSP सांसद मलूक नागर का कहना है कि ई सिगरेट की कीमत ज्यादा होने के कारण यह केवल अमीर घरों के बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग आज भी बीड़ी तंबाकू से प्रभावित हैं। सरकार सिर्फ एक वर्ग के लोगों को क्यों बचाने में लगी है? पूरे देश में तंबाकू से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं और गरीब लोग जिससे इफेक्टिव हैं और गरीब लोगों को भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां होकर मर रहे हैं, इस पे भी सरकार सोचे और जैसे पहले बिल लोकसभा में पास हुए हैं राज्यसभा से वापस करें, अगर हो सके तो इसी में तमाम नशों को भी बैन करा जाए। प्रोडक्ट को टारगेट करके किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक विशेष मार्केट को प्रोडक्ट करने प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम ऐसा कानून ना लेकर के आए जिससे जो है हम कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का हनन और अपने संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
99.8% of the population who has already indulged in smoking, they are only smoking a cheaper cigarettes. This 0.02% people who are spending almost 5,000 rupees to get a stick, that e-cigarette, and with a filler, they smoke. So is the government very much bothered only about the rich children of this country? Or in the other way around, can we say the government is blind towards the poor people who are already indulging in smoking? Is it not the responsibility of the government to save them also from smoking? कि अब ये महंगा नहीं है, कुछ हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि महंगा है, गरीब आदमी इसको ले नहीं सकता. नो नो, चाइना स्टार्टेड मेकिंग कॉपी ऑफ दिस. वो 500 रुपए 800 रुपए में भी आ गया, 1000 रुपए में. अब तो लोग नकली पीने लगे और इसमें अलग अलग फ्लेवर हैं. एप्पल फ्लेवर है, अनगिनत फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है. सो यू गेट एडिक्टेड टू दिस और ये बहुत ही खतरनाक है. युवाओं पर ई सिगरेट के घातक प्रभाव को देखते हुए बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि बच्चों के जीवन का काल बनकर आई है यह ई सिगरेट. जब मैंने पहली बार सुना कि कोई ऐसी सिगरेट आई है कि जिससे सिगरेट छूट जाएगी, विश्वास नहीं हुआ कि नशे से नशा कैसे छूटेगा. लेकिन फिर धीरे धीरे इस विषय पर जब से पता चला तो लगा कि ये नाक का वो फन है, कालिया नांग का, कि जो हमारे बच्चों को सबसे पहले डसेगा. सिगरेट तो युवा और कॉलेज के लड़के हम लोग भी कभी कभी पीते थे कॉलेज में, अब वो छूट गई, पता ही नहीं चला कैसे छूट गई. लेकिन बच्चे उस सिगरेट को घर में पीने में बड़ा मुसीबत है उनके लिए, नहीं पी पाते सामान्य सिगरेट को. लेकिन ये सिगरेट, जो ही सिगरेट आई है, ये तो बच्चों के जीवन का काल बन करके आई है महोदय. कई सांसदों ने ई सिगरेट से होने वाली बीमारियों की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह बिल युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और इसमें युवा पीढ़ी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं हमारे देश के अंदर, तो उन बच्चों के अंदर इसका मैसेज भी जाएगा, एक रोक भी लगेगी और कड़ी कार्रवाई का संदेश जाएगा. और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि तंबाकू पे प्रतिबंध लगना चाहिए. माई टॉक अबाउट टू सेव यूथ ऑफ माई इंडिया एंड प्रिवेंट टू मेक अनदर मूवी उड़ता इंडिया आफ्टर उड़ता पंजाब, बिकॉज WHO हैज ऑब्जर्व दैट ई सिगरेट्स आर हैविली मार्केटेड टूवर्ड्स यूथ एज बिटवीन 15 ईयर्स टू 24 ईयर्स बाई एडिंग ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज. Through this e-cigarette device, there is risk of also use of other psychotropic substances that are harmful physically and mentally. BJD सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने e-cigarette के गलत प्रचार की बात कही. E-cigarettes were promoted as a way to get the people out of their smoking habits, but reports have shown that many people are not using it as a weaning mechanism, but rather addicted to it. The decision to ban the e-cigarette is aimed at protecting the youth, the section that is most vulnerable to the health hazards of e-cigarette. The ban will help the population, especially the youth and children, from the risk of addiction through e-cigarettes. जदयू सांसद महाबली सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है क्योंकि यह न तो देश हित में है और न ही स्वास्थ्य हित में. ई सिगरेट वैसा ही सिगरेट है कि जब पीने में उसका इतना स्वाद अच्छा है और इतनी महंगी सिगरेट है कि गांव के गरीब किसानों को आज तक देखा नहीं है, तो कहीं से न कहीं से महोदय वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है और वह देश हित में और स्वास्थ्य हित में कतई नहीं है. इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है महोदय, वो हम समझते हैं कि देश की जनता के हित में निर्णय लिया है महोदय. AITC सांसद प्रोफेसर सौगत राय ने कहा कि इस प्रतिबंध का ज्यादा असर नहीं होगा, बल्कि सरकार को ई सिगरेट की कीमत लोगों की क्रय क्षमता के बाहर कर देना चाहिए. मेक इट एक्सपेंसिव बियॉन्ड लिमिट्स एंड रेगुलेट देम इम्पोजिंग टैक्स एंड नॉट बैन मेक्स इट सॉल्यूशन. मेकिंग इट अवेलेबल बियॉन्ड द बाइंग कैपेसिटी सीम्स मोर रीजनेबल देन
banning products. But even then, if government bans e-cigarettes, they should not let cigarettes and bidis be sold freely, which kills 1.2 million people every year. That is the main question. You are not stopping sale of cigarettes, bidis, gutka, chewing tobacco, pan parag, all these things, but you're just banning electronic cigarettes, bringing an ordinance to do the same. As it is, electronic cigarettes are priced high. So if you increase the cost further, it will be more efficacious. कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह ने अपना सुझाव दिया कि सरकार ऐसी कोई लंबी रणनीति बनाए जिससे धीरे धीरे लोग नशा मुक्त की ओर बढ़े। बहुत लोग हैं सुबह उठ के वॉशरूम जाते फ्रेश तब होते जब दो सिगरेट बाथरूम के अंदर नहीं लगा देते। ये बिल्कुल सच्ची बात है सर। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी एक थोड़ी लॉन्ग एक प्रलॉन्ग एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए कि इसको आस्ते आस्ते लोगों को हमें इससे दूर लेके जाना है। ये देश के स्वास्थ्य का, देश के युवा के स्वास्थ्य का ये एक मसला है सर। बीजेपी सांसद प्रभु भाई नागर भाई वसावा ने बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल में ई सिगरेट विक्रेता के लिए सजा का प्रावधान है लेकिन ई सिगरेट पीने वालों पर नहीं, इस पर सरकार विचार करे। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट के उत्पादन के बिक्री भंडारण और आयात निर्यात पर रोक लगाने का जो फैसला किया है इसका उल्लंघन करने पर जो जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया है। पहली बार गुनाह करने पर 1 साल की सजा 1,00,000 रुपया जुर्माना और बार बार गुनाह करने पर 3 वर्ष की सजा और 5,00,000 का जुर्माना। लेकिन ई सिगरेट का उपयोग करने वाला आदमी के लिए या बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो उनके लिए भी ये प्रावधान होना चाहिए ताकि इस पे बैन हो सके। कई नेताओं ने यह चिंता व्यक्त की कि सरकार ऐसा क्या कानून लाने जा रही है जिससे ई सिगरेट का उपयोग न फैले। ऑनलाइन अमेज़न जैसी संस्था, फ्लिपकार्ट जैसी संस्था जो है इसको बेच रही है। भारत सरकार के पास ऐसा कौन सा कानून वो बनाने जा रही है या कौन सा ऐसा हथियार है जिसके कारण वो ई सिगरेट पर बैन कर पाए? मैं सिंगापुर का अपना उदाहरण दे रहा हूं कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया सारे लोग मुझे ई सिगरेट पीते हुए नजर आए। जब सिंगापुर जैसा छोटा कंट्री नहीं कर पा रहा है, भारत कैसे कर पाए? भारत में कुछ राज्यों में जब अल्कोहल को पूरी तरह से बैन किया जाता है, आई हैव सीन अल्कोहल बीइंग सोल्ड देयर इन ब्लैक मार्केटिंग बहुत होता है और सबसे ज्यादा बिकता वहां पर है। तो अगर आप बैन करेंगे ई सिगरेट्स को, जैसे कहा कि ऑनलाइन में भी बेचा जाता है और ब्लैक मार्केटिंग हो, तो इसको किस तरह से मॉनिटरिंग किया जाएगा ताकि ये आगे लोगों के पास, युवाओं के पास ना पहुंचे? कोई चीज़ अगर सिंगापुर गलत कर रहा है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। इसका तो एक लाइन में जवाब है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारा जो पहला धर्म है वो अपने बच्चों के, अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि यह विधेयक पारित होना क्यों जरूरी था। एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज एन ईएनटी सर्जन माइसेल्फ हु हैज सीन ऑल माय लाइफ केसेस सफरिंग फ्रॉम टोबैको एंड ऑल दीज इलनेसेस, आई कांट बी इनसेंसिटिव to the health of our people and especially the children and the youth. So this starting with an ordinance was a sort of a preemptive strike, and I think for me the health of the people and the children of this country, there can't be anything more important than that, and that's why the government brought this ordinance. We couldn't have, people said you could have waited for 2 months. Why should we wait for 2 months? If we can nip the thing in the bud even now, why should we wait for 2 months or 3 months or 4 months? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टर होने के नाते लोगों के स्वास्थ्य के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और अगर ई सिगरेट कम खतरनाक है तो भी यह बिना खतरे के नहीं है। For persons aged 35 to 69 years, this amounts to 1,04,500 crores. That's the total economic cost that the country pays
to deal with the tobacco menace. And our 1.16% of GDP, and it was 12% more than the combined state and central government expenditure on health in 2011-2012. You can well imagine what the tobacco menace has cost to us till now, that all the state budgets, add to it the central budget, add 12% more to it, then it becomes the economic cost that's the health burden due to the tobacco. So with this much of knowledge, experience and suffering for so many years, can we really afford with new form of nicotine and psychoactive substances addiction, the economic burden is likely to increase. So we have to take preemptive action. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, वहाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। देश की युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। सरकार तो अपनी ओर से कदम उठा ही रही है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए लोगों की इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने मित्रों और परिजनों को किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करें। जन जन का यही संदेश होना चाहिए कि नशा मुक्त हो अपना देश।